और अब बात आनंद पाल की, जिसने पूरे पुलिस महकमे की नींद उड़ाई हुई है। 5 दिन गुजर गए उसे फरार हुए, लेकिन 5 दिनों में ना तो आनंद पाल का और ना ही उसके साथ फरार हुए 2 साथियों का पुलिस को कोई सुराग लग पाया है और ना ही पुलिस को ये संकेत मिले हैं कि आखिर आनंद कहां हो सकता है। एक कुख्यात बदमाश जो अपने साथियों के साथ पुलिस कस्टडी से ऐसा फरार हुआ कि अब सैकड़ों पुलिस कर्मियों की फौज भी उसे तलाश नहीं कर पा रही। 3 सितंबर की शाम करीब 4 बजे आनंद के साथियों ने पुलिस पर कुछ ऐसा कहर बरपाया कि खाकी कुछ नहीं कर सकी और वो बदमाश अपने साथ आनंद पाल सिंह और दूसरे साथियों को ले गए। आज 5 दिन गुजर गए, दर्जनों आला अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है, सैकड़ों पुलिसकर्मियों को आनंद को तलाशने में झोंका हुआ है और केवल पुलिस ही नहीं बल्कि एसओजी और एटीएस को भी तलाश आनंद के मिशन में झोंका हुआ है, लेकिन सभी के हाथ खाली, ना कोई सुराग ना कोई जानकारी। आनंद कहीं देश छोड़कर ना फरार हो जाए उसे देखते हुए लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया, लेकिन फिर भी कोई कामयाबी नहीं। मामले पर जहां राजनीति हावी हो गई है, वहीं प्रदेश के गृह मंत्री ने भी अपने बयान दिए। हर एक पुलिस अधिकारी जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ने में जुटा है, लेकिन इतना तो साफ है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला जरूर है। और यहां ये उस समय भी साफ होता है कि जिन 11 पुलिसकर्मियों का अजमेर अस्पताल में इलाज चल रहा था, उनमें से जब 6 पुलिसकर्मियों को डिस्चार्ज किया गया तो उन्हें भी अजमेर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। जाहिर सी बात है, शक की सुई मंडरा रही है। महकमे के आला अधिकारियों को भी लगता है कि कुछ न कुछ मिलीभगत का खेल जरूर है। जांच के दौरान 11 पुलिसकर्मियों के बयान भी दर्ज किए गए और फिर सामने ये भी आया कि इन बयानों में भी कुछ कहानी अलग अलग ही है। अब पुलिस के लिए परेशानी ये बनी है कि एक तो आनंद पाल को खोजना है, वहीं दूसरा वर्चस्व की लड़ाई में उसके सामने रही राजू ठेठ गैंग से कोई भिड़ंत की दास्तान ना लिखी जाए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें पहले भी आ चुकी हैं। लेकिन इतना जरूर है कि शातिर बदमाश ने पूरे पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी है और अब पुलिस के सामने केवल एक ही मिशन है, तलाश ए आनंद पाल। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि आने वाले कुछ ही दिनों में कुछ आला पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है, जिसके बाद पूरे खेल की तस्वीर साफ हो जाएगी। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट।